हेलो दोस्तों, कैसे हो? सारे होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो लेकर आ चुका है और पीछे तो आपको दिख ही रहा है कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो बाकी थंबनेल और डिस्क्रिप्शन टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज। तो यही सब कुछ जानेंगे और पूरा मतलब प्रोसीजर आपको हम लोग दिखाएंगे शुरू से लेकर एंड तक, कैसे हमने बुक करी और कैसे आप लोग बुक कर सकते हो, कहाँ का लोकेशन देख सकते हो, किस तरीके से, मतलब पूरा प्रोसीजर आपको पहले फोन के थ्रू समझाएंगे, उसके बाद लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे टेस्ट ड्राइव लेनी है यहाँ पर आकर। तो वीडियो में ज्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोवर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अपने मोबाइल इंटरफेस पर आ चुके हैं और जैसा कि हमने लास्ट टाइम ओला की टेस्ट ड्राइव बुक करी थी घर पर बैठकर, वैसे ही हम लोग एथर की भी बुक करेंगे घर पर ही बैठकर। तो ये हमने एथर सर्च कर लिया है, एथर टेस्ट ड्राइव दिए। देखिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे साइट को और ये थोड़ा सा नंबर नंबर दिए हुए हैं, स्पॉन्सर्ड वेबसाइट से ये, तो ये शो हो रहा है। ठीक है, नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे। देखिए ओला इलेक्ट्रिक की आ रही है जो हमने लास्ट टाइम करी थी अभी टेस्ट ड्राइव, अब ये एथर इलेक्ट्रिक की, एथर एनर्जी की आ रही है। एथर मतलब इलेक्ट्रिक ही एक तरीके से। तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर लेंगे। तो इसको हमने एक बार क्लिक कर लिया है, देन अब ये वेबसाइट खुल जाएगी इसकी। तो ये खुल गई है, एक्सपीरियंस द एथर 450X लिख कर आ गया है और ये एथर की वेबसाइट खुल चुकी है। आप जैसा देख सकते हो ऐसा नॉर्मल सा इंटरफेस आपको शो होगा और अभी फिल करेंगे नीचे डिटेल्स भी। बाकी बस रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं और कुछ आता है कि नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही सेम दिया हुआ है। तो हम नीचे अपनी सिटी पिक करेंगे, कौन सी सिटी में हम लोग रहते हैं। तो सिटी को हमने कर लेते हैं पिक अपने, हम दिल्ली NCR के हैं तो दिल्ली NCR क्लिक कर देते हैं। तो ये हो गया, सॉरी वो मैसेज आ गया है, 1 रुपया आ गया पैसे का, वो उसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। अपनी सिटी को हम लोग करते हैं क्लिक। ये देखिए दिल्ली NCR हो गया क्लिक। अभी हमसे हमारा जोन पूछ रहा है, हम कौन से जोन में रहते हैं, तो अपना जोन क्लिक करेंगे। और मंडे से संडे, मतलब इसका मतलब 7 डेज आपको इसकी टेस्ट ड्राइव मिलती है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब हमसे डेट पूछ रहा है तो हम अपनी डेट क्लिक कर देंगे। तो डेट क्लिक कर दी 2 तारीख, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक साइड हम लोगों को शो हो रहा है क्या, कौन सी टाइमिंग पे, मतलब कौन सी डेट है, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या लोकेशन है, ये सब शो हो रहा है। और नेक्स्ट हमें शो हो रहा है, इसमें अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरेंगे और अपनी ईमेल आईडी देंगे, फ़ोन नंबर देंगे और जो नेक्स्ट देंगे वो भी अभी हमको दिखाएंगे। बाकी एक बार जल्दी से इसको हम लोग कर लेते हैं फिल। तो ठीक है, तो आगे हमने यहाँ देखिए नाम फिल कर लिया है, लास्ट नेम भी जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चल रही है पता नहीं किस रीज़न से, बट एथर को थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए, वेबसाइट को थोड़ा और स्मूथ करना चाहिए क्योंकि ये कर सकती है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार ईमेल दे देते हैं, ईमेल आईडी इसलिए ले रहा है क्योंकि ये हमें कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा कि आपकी टेस्ट ड्राइव कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए ईमेल आईडी ये मांग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो फ़ोन नंबर देंगे, फ़ोन नंबर ये हमसे इसलिए मांगता है कि किसी रीज़न से हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब कुछ भी रीज़न है और या फिर हम नहीं पहुंचते, तो ये लोग हम लोग कॉल करके पूछेंगे कि सर आप क्यों नहीं आए, किस रीज़न से नहीं आए। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, वो लोग अपने पास डाटा रखते हैं कि हो सकता है वो आपको बाद में आप कभी परचेज करो तो इसलिए वो कॉल वॉल करें या फिर कोई ऑफर है इसलिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों से ये हम लोगों ने फिल कर दिया है पूरी डिटेल, ये अभी आप देखिए ऊपर की डिटेल फिल कर दी। नीचे ये एरिया पिन कोड मांग रहा है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड देना होगा जिस एरिया में आप रहते हैं, तो हमने अपने एरिया का पिन कोड दे दिया है। ठीक है, ये हमारी हमने पूरी डिटेल्स फिल कर दी हैं यहाँ पर। नीचे ये हमसे कह रहा है कि आपको जो रिमाइंडर, जो भी अपडेट्स हैं एथर के, मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप पे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए हो तो आप यस कर दीजिएगा वरना इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो हमें तो चाहिए तो हम लोगों ने इसको क्लिक कर दिया है, बस और कुछ इसमें फ़िल करना नहीं था। तो अब ये हमारा हो गया है, ये बस यही सब कुछ था, इसमें डिटेल्स फिल कर दी, बाकी सारा लोकेशन एरिया और सब कुछ, मतलब टाइम डेट सब कुछ मिल दिख गया है। तो एक बार हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं बुक के टेस्ट ड्राइव। तो ये काफ़ी इजी था, ये देखिए टेस्ट ड्राइव कन्फर्म सी यू देयर, मतलब वहीं पर ये लोग आपको मिलेंगे। और नीचे लिखा हुआ है कन्फर्मेशन मेल जो है वो हमें मेल आ चुका होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ज़रा लाइव दिखा दूंगा किस तरीके का मेल आया, उसमें मेल में क्या डिटेल्स हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है, टाइम डेट और लोकेशन यही सब कुछ हो रहा है।
तो बस यही सब कुछ था। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरफेस पे और आपको मेल दिखा देता हूँ मैं। तो ये आ गए हम लोग अपना मेल चेक करने हैं। तो ये देखिए मेल हमें आ चुका है, तो उसको एक बार मेल को क्लिक करते हैं और देखते हैं मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है। बस वैसे डिटेल्स तो वही सारी दी होंगी, बट एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। तो ये हमने ओपन कर लिया, टेस्ट ड्राइव कन्फर्म लिख कर आ चुका है इथर 450X की। तो ये रही दो हमसे मतलब पूछ रहे कि आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, मतलब एक ऑप्शनल क्वेश्चन टाइप का है। तो अब हम इसको यस कर देते हैं क्योंकि हमें तो जाना ही, हमने इसलिए बुक ही करी है और टुडे का टाइम है, मतलब आज ही हम लोगों ने बुक करी है, तो आज ही हम लोगों को लेनी है। 3 से 6 के टाइम में हम जाकर ले सकते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, टाइमिंग हमें लिखा है, टेस्ट ड्राइव है बस, और कुछ भी इंटरफेस मतलब मेल में बस यही नॉर्मल सी चीज़ें आई हैं, ठीक है। बाकी इसको अगर हम लोग नीचे कर देते हैं तो यही वही टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग कॉन्ग्रेट्स कर रहा है और नथिंग स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। सो इनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ आई हैं, बाकी डिटेल दी हुई एड्रेस एड्रेस और आप लोग गेट डायरेक्शन करके लोकेशन भी यहीं से निकाल सकती हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये चीज़ ओला के मेल में नहीं आई थी बट यहाँ पर आई है, तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए बस को हम लोग ज़रा क्लिक करके देखते हैं, देखिए देखिए मैप्स पे जाके ओपन होता है और ये डायरेक्ट हम लोग को यहाँ घर से और वहाँ तक की लोकेशन दिखा देता है। सॉरी आगे का हम लोकेशन नहीं दिखा सकते आपको कि हम कहाँ रहते हैं, अपनी लोकेशन हम दिखा नहीं सकते, तो वापस हम लोग मेल पर आ गए हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि अपनी स्पेशलिटीज़ लिखी हुई हैं, कैसी माइंड ब्लोइंग टेस्ट ड्राइव है, 30 मिनट्स का आपका एक सेशन होगा, उसमें आपको सही से समझाया जाएगा इथर 450X के बारे में, आप नोट्स भी ले सकते हो उससे रिलेटेड, और बाकी वही सारे प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी क्या है वो सब आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फाइनेंस रिलेटेड कैसे क्या प्रोसीजर है वो भी आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हो कैसे क्या है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बस यही सब कुछ था मेल के अंदर और कुछ नहीं है। बाकी आप ये इनवाइट वही है, मतलब कुछ प्रोसीजर है, ये इतना कुछ खास नहीं है। सो फाइनली ये हमारी वाली निकल रही है एथर, आप देख सकते हो, और पर्सनली मेरा फेवरेट कलर है ये जो अभी निकल रहा है, और अभी चलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे हम तो चला चुके हैं, हम उसका रिव्यू वीडियो भी दे चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है ही है। बाकी एक्सपीरियंस सेंटर की वीडियो जो प्रॉपर है वो भी हमारे चैनल पर है, मतलब हम इथर के साथ पहले से काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है। नहीं इथर है ब्रांड है, बेस्ट ब्रांड है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इथर ब्रांड। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। बाकी हम सारा समझा ही रहे हैं अपनी तरफ से, टेस्ट ड्राइव समझा रहे हैं, बस देखेंगे उसके साथ अगर पेमेंट का भी हो गया तो वो भी समझा देंगे आपको। बाकी चलते हैं देखते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं चल के। दोस्तों फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और बैठने में तो काफ़ी कंफर्टेबल है अपनी एथर, और चलते हैं देखते हैं, राइडिंग एक्सपीरियंस लेते हैं सारे, एक बार मोड वोड टेस्ट करते हैं दोबारा से। बना तो रखा है पर एक बार जो उसका नया वाला मोड आया था अभी उस पर प्रॉपर नहीं बनाई थी वीडियो, तो एक बार उसको भी एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं कैसे क्या सारे मोड एकदम फिर से। तो चलिए लेते हैं हम लोग भी एक बार डेप्थ में इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं चल के। तो अभी हम लोग इसको इको मोड पे ट्राई कर रहे हैं और इको मोड पे आप लोग देख सकते हो इंटरफेस तो आपने वैसे जिनने हमारी लास्ट वीडियो देखी हैं उन्हें पता ही है कैसा क्या है इसका पूरा इंटरफेस और प्रोसीजर। बाकी हम लोग फिर से चलाते हैं और ठीक है, कंफर्टेबल तो है ही है अपनी एथर पहले से ही, बस थोड़ी रेंज की इशू है, बाकी तो एथर बेस्ट ही बोलूँगा मैं, एकदम बेस्ट ही है। और आज थोड़ा सा लंबा वाला टेस्ट ड्राइव लेकर आएंगे, अच्छे से इसको एकदम इन डेप्थ में इसके अच्छे से टेस्ट ड्राइव ले लेंगे। तो फाइनली अब थोड़ा सा रोड खाली है तो अब इसको अच्छे से इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, इसका मोड एक बार चेंज करेंगे, देखेंगे कैसा क्या है, स्पोर्ट मोड में डालना है इसको। तो ये अभी अपने राइड मोड में आ चुकी है, मतलब इसका सेकेंड मोड जो बोलते हैं, 4 मोड आ चुके हैं ना वैसे इसमें, तो राइड मोड में इसकी एक बार स्पीड चेक करते हैं कितनी है। ओ काफी अच्छा पिकअप है, तो राइड मोड में तो काफी अच्छा पिकअप है,
स्पीड भी देखिए काफ़ी अच्छी है राइड मोड में भी। तो अब हम नेक्स्ट मोड चेंज करते हैं, अब नेक्स्ट आ गया है ये स्पोर्ट मोड में। स्पोर्ट मोड में तो वैसे भी पावर बढ़ ही जाएगी, अब इसकी कंफर्टेबल तो काफ़ी फील हो रहा है, मतलब आ रहा है मज़ा एकदम बढ़िया वाला। बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है और मतलब पैर वैर रखने में भी कंफर्टेबल है, अगर लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हो तो दिक्कत तो नहीं आती है। पर मैं ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब हम लोग यहाँ से इसे घुमा लेते हैं। तो अब इसका लास्ट मोड जो है, तो अब इसका आप एक बार लास्ट मोड भी ट्राई कर लेंगे जो इसका हाइपर मोड है, मतलब वैप मोड है। तो वैप मोड में तो वैसे भी इसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है, ये फोर्थ मोड में आ जाती है। तो वैप मोड इसमें देखो लग चुका है और ये देखिए स्पीड, बाकी मुझे इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब वो शो करता रहता है कि आप कितनी स्पीड से बढ़ रहे हो आगे, और ग्रीन और मतलब येलो हर कलर में वो शो होता रहता है, जैसे ये देखो ये हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। बाकी स्पीड तो आपके सामने शो हो ही रही है, ये देखिए तो ये देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही स्पीड गाड़ी रुक जाती है इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब ये वैप मोड में थी, अब इसका एक बार नेविगेशन ऑन करके देखते हैं। और ये देखिए इसका नेविगेशन ऑन हो रहा है, ये देखो गुजरेवाला टाउन में है, ये हमारी अभी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारी स्पीड भी शो हो रही है, कौन सा मोड लगा हुआ है वो शो हो रहा है, मतलब सब कुछ हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब इसको एक बार ना जूम आउट करते हैं और देखते हैं हमारी अपनी लोकेशन, हम भी सेट करते हैं एक बार। लोकेशन क्या सेट करें, ऐसे ही चल के देखते हैं और चलते हुए आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो चलते हैं, ये देखो स्पीड यहाँ पर साइड में शो हो रही है, मतलब अब कोई भी मोड नहीं काम करेगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आप गाड़ी चलाने लगते हो तो इसके इसका स्क्रीन काम करना बंद कर देता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। देखो इको मोड में है अभी, अपने नॉर्मल मोड में है और 20 की स्पीड दिखा रहा है अभी। बाकी ये हमारी लोकेशन जो दिखा रहा है, हम यहाँ चल रहे हैं, मोटर अपनी ऑन है, बाकी टाइमिंग वाइमिंग शो हो रही है। और चलते हैं फिर, इसका मोड एक और बार चेंज कर दिया, राइड मोड में है ये अभी। और ये ब्रेकर आया, ब्रेकर में भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, सस्पेंशन तो है ही इसके काफ़ी अच्छे, और सिटिंग पोस्चर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, दो लोग बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रेड लाइट हो गई है, तो अभी हम लोग रुक गए हैं रेड लाइट पे, तो चलते हैं फिर इसका एक और इसका लेते हैं, एक बार इसका ब्रेक ब्रेक भी चेक करेंगे आगे चल के कि स्पीड में इसके कैसे ब्रेक हैं। वैसे सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, तो एक बार हम लोग फिर से करके देखेंगे, शायद न्यू मोड्स के साथ न्यू अपडेट के साथ कुछ चेंजमेंट हुआ हो तो वो सब भी देखेंगे। चलते हैं, आपको दिखाने के लिए हम सब कुछ दोबारा दोबारा कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई करेंगे। उसके बाद इसका जो पार्क असिस्टेंट मोड है, मतलब वही रिवर्स मोड जो अपना है, वो भी देखेंगे चला के, मतलब पूरा इसको एक बार इनडेप्थ चेक कर डालेंगे अच्छे से। तो अभी तो खाली रोड सी थोड़ी दिख रही है, चलते हैं। तो ये अभी हमने रोक दिया गाड़ी, क्योंकि इसके हमने सारे मोड्स तो चेक करके देख लिए, स्पीड स्पीड चेक कर ही लिए, तो इसका एक बार पार्क असिस्टेंट मोड लगाते हैं और रिवर्स करके देखते हैं इसको एक बार। तो चलो लगाते हैं, तो ये इसका पार्क असिस्टेंट मोड लग गया है, देखो फॉरवर्ड लिख के आ भी रहा है, और इसको रिवर्स करते हैं, मतलब हम दो लोग बैठे हुए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कितने आराम से रिवर्स हो रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बस ये रिवर्स मोड हमने ट्राई कर लिया है इसका,
मतलब हमने सारे मोड इसके आपको ट्राई करके दिखा दिए हैं। अगर आपको रिवर्स मोड बंद करना हो तो आप इसको ऐसे करके इधर स्लाइड दोबारा कर देंगे और ये अपना रिवर्स मोड खत्म बंद। ठीक है, अभी नॉर्मल आ गई है, अपने रैप मोड में लगी हुई है। इसको एक बार इको मोड में कर दो। ठीक है, ये अपने इको मोड में अब आ गई है। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, उसके बाद इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देते हैं कितना है, और इसको पहले स्टैंड में लगा देते हैं। ये देखो स्टैंड यहाँ पे दिखाने लग गया। ठीक है, अब ये गाड़ी इसका मोटर देखिए ऑफ हो चुका है, तो एक बार इसका बूट स्पेस ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए बूट स्पेस ओपन हो गया, गाड़ी बंद हो गई है। और बाकी ये तो अपना एथर का है ये बूट स्पेस, ये रहा इसके साथ फर्स्ट एड किट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। यहाँ पे चार्जर वार्जर लग जाता है, और जो एथर के साथ हेलमेट वेलमेट मिलता है वो लग जाता है। और ये वाली लाइट तो मेरी फेवरेट है ही है, बेस्ट लाइट लगती है मुझे, दिखने में बहुत अच्छा लुक आता है। बाकी ये अपना वेंटिलेशन के लिए दे ही रखा है यहाँ पे आगे, मोटर वेंटिलेशन और बैटरी वेंटिलेशन के लिए, बस यही सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। बस ओवरऑल लुक यही है, जो अपने नॉर्मल डिस्क दिए हुए हैं, ये डिस्क दिए हुए हैं आगे और पीछे। बाकी ये तो मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है ही है, तो क्या ही बोलूँ मैं इसको। सो फाइनली दोस्तों, हमने टेस्ट ड्राइव ले ली है, तो इसका अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ कि इस टेस्ट ड्राइव में मुझे कैसा फील हुआ, मतलब एज ए ड्राइव, मतलब पीछे बैठा हुआ था तो कैसा फील हुआ, आगे बैठने वाले का भी क्या रिस्पॉन्स था, तो ओवरऑल हम दोनों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, काफ़ी कम्फर्टेबल थी, मतलब सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे थे, सारे मोड हम लोगों ने ट्राई किए, सारे मोड अच्छे थे, पार्क असिस्टेंट मोड भी ट्राई करके देखा, मतलब सब कुछ हम पहले कर चुके हैं इससे पहले भी, बट हमने एक बार फिर से ट्राई किया क्योंकि इसमें जो न्यू अपडेट आया था, सोच रहे थे कि न्यू अपडेट में कुछ चेंजेस हुए हों, तो कोई खास चेंजेस नहीं हुआ, बस एक मोड ऐड हो गया था राइड मोड, तो वो भी ट्राई करके देखा, काफ़ी अच्छा मोड था। अगर पॉइंट्स देने की बात करूँ तो पॉइंट्स देने में मैं इसको 10 में से 9 दूंगा। अब 9 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो 10 वाला पॉइंट जो है ना, जो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया वो है इसकी रेंज। मैं फिर से बोलूँगा एथर प्लीज़ इसकी रेंज पर काम करिए, क्योंकि रेंज की नीड बहुत लोगों को है, बहुत ज़्यादा लोगों को है। सिटी में इतना नहीं फर्क पड़ता है, पर अदर जैसे अगर कहीं हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कहीं जाना है, तो जरूरत पड़ जाती है, तो प्लीज़ उस पर काम करिएगा एथर। और बाकी ये तो मेरा फेवरेट कलर है ही है। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार अच्छा लगा हो ना तो यार प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और यार आप लोगों का प्यार ही तो चाहिए हमें, तो प्यार के बदले में सब्सक्राइब कर दो, या फ्री का ही तो होता है यार, कर दिया करो यार, अपने दोस्तों के फ़ोन से भी कर दिया करो, क्या जा रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ कर देना यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूनिक कंटेंट के साथ, और कुछ नया से नया लेकर आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।